हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दास व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 की भर्ती आने वाली है, परीक्षा है इसकी अप्रैल माह के अंदर, ठीक है। तैयारी कैसे करें? तैयारी अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस तैयारी के दौरान आप कौन सी गलतियाँ जो कर रहे होंगे या कर सकते हैं उनके बारे में आज बात करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ये गलतियाँ इतनी बड़ी हैं जो आपका सिलेक्शन मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर रोक सकती हैं। ये आपका वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना इसको। ये गलतियाँ अगर आप कर रहे हैं तो अभी संभल जाइए, अगर नहीं कर रहे तो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, तो देख लीजिए एक बार। अगर तैयारी को सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। ये 10 इंपॉर्टेंट गलतियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ जो हर MP सब इंजीनियर का एस्पिरेंट अपने तैयारी के दौरान करता है और उसे एग्जाम में फेलियर का सामना करना पड़ता है। रीजन क्या है, एक एक करके स्टेप बाय समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ओके। पर उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो क्या करना है आप जानते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने PDF आपके सामने ओपन कर लिया है। 10 मिस्टेक्स दैट एन एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट डज वाइल मेकिंग कैरियर, ठीक है। जब अपना कैरियर बनाने जाते हो या आप अभी तैयारी करने जा रहे हो, अपना कैरियर ही बना रहे हो सब इंजीनियर के अंदर, तो ये कौन सी आप गलती कर सकते हैं। स्पेशली किसके लिए बात करेंगे अपन, MP सब इंजीनियर एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। MP सब इंजीनियर एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि आप लोग एक बात याद रखना आप लोग, ठीक है। ठंडा मतलब कोको कोला और सब इंजीनियर का मतलब है 10 व्हील पॉइंट, ठीक है, याद रख लेना। क्योंकि हमारा कंटेंट एकदम फोकस्ड रहता है सब इंजीनियर को लेकर के, हम डिटेल एनालिसिस सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बस यूनिकपन याद रखना, सब इंजीनियर मतलब 10 सिविल पॉइंट। कुछ भी चाहिए सारी चीजें मिलेंगी 10 सिविल पॉइंट एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर, ठीक है, और यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, डिलेइंग द डिसीजन फॉर प्रिपरेशन। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हाँ हमें तैयारी करनी है, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हो, लोग डिले कर रहे हैं। आप लोग ये बात जानते हो कि जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का, ठीक है, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का पैटर्न रहा है अभी तक, उसका क्या पैटर्न रहा है, एग्जाम के 40 से 50 दिन पहले नोटिफिकेशन आता है और सिलेबस है ना इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप 40 से 50 दिन के लिए आपको तो चाहिए रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए उसके लिए, ठीक है। क्योंकि 15 सब्जेक्ट आपके ऑलमोस्ट टेक्निकल से पूछे जाते हैं और 7 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल के हैं, ठीक है। मतलब 20 से 22 सब्जेक्ट आपको लास्ट के 40 से 50 दिन मतलब नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद पढ़ना एक चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है, जिसे आप अगर अभी से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा आपको सिलेबस कवर करना, ठीक है। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको डिले नहीं करना है, आपके पास अवेलेबल है, आपके पास एग्जाम कैलेंडर अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो 10 व्हील पॉइंट पर अवेलेबल है, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल है, डिले बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मान लीजिए वैकेंसी लेट हो गई तो लेट हो गई तो वैकेंसी कभी तो आएगी, कैलेंडर में अपडेट है ना, कभी तो आएगी ना, 2 महीने लेट हो सकती है, 1 महीने 3 महीने लेट हो सकती है, एग्जाम होना है ना, पिछली बार भी देखा आपने टाइम के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ, ठीक है, तो एग्जाम तो होगा। 1-2 महीने अगर लेट भी हो जाती है तो वही तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वही तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उसमें और आप जोर लगाइए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अब, ठीक है। SSC JEE के ना होने से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग MP सब इंजीनियर तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो आप अगर अभी डिले कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, ये आपकी पहली मिस्टेक हो सकती है अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं तो। सबसे पहले आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, सबसे पहले अपनी तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है, पहला स्टेप। अगर आपने कर दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किए उनके लिए था, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं, चूज रॉन्ग अप्रोच। अप्रोच का मतलब ये है कि आप जब तैयारी करने जाते हैं तो आपको पता नहीं होता आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। लाइक आप अगर इससे पहले 2 से 3 बार दे चुके हैं एग्जाम तो ठीक है, आपको थोड़ी बहुत आइडिया है कि एग्जाम का पैटर्न ऐसा रह रहा है। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है क्योंकि आपने उससे पहले एनालिसिस नहीं किया, तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट, ये तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे या तो आप किसी कोचिंग में जाकर के एडमिशन लेंगे। तो अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उसकी उस कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दें या आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें जो एज पर सिलेबस होना चाहिए सब इंजीनियर के हिसाब से, क्योंकि हर एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं यार सारी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं उसी के अंदर से सारी चीज़ तो आनी है, भाई सिविल इंजीनियरिंग की तो पूछेंगे, सारा नॉन टेक्निकल पढ़ लेते हैं वहीं से पूछेंगे, तो बाबू बात सुनो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा OCN कवर करना है, ठीक है, पूरा OCN कवर नहीं करना, वो एक बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपके काम की चीज है, क्योंकि एग्जाम सब कुछ पढ़ने से नहीं निकलता है, एग्जाम वो पढ़ने से निकलता है जो एग्जाम पे आता है। अब कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जाम के अंदर क्या चीजें आती है, तो उसी के लिए होता है आपका सिलेबस और दूसरा होता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। क्या होता है आपका, पहली चीज होती है आपकी सिलेबस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। मैं इस चीज में अभी चुकी है, मेरा थोड़ा सा लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम, इसलिए मैं वीडियो यूट्यूब मोबाइल से बना रहा हूं, तो आप लोग
समझ लीजिए मेरी बात तो सुनकर समझ लीजिए, पहली चीज़ क्या है आपकी, पहली चीज़ तो है आपकी आपका सिलेबस और दूसरा चीज़ है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। इसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमने आपको इसलिए चैप्टर वाइज तक एनालिसिस दे दिया है कि आप लोग उतना ही पढ़िए, मत पढ़िए ज़्यादा, जो इंपॉर्टेंट वही पढ़िए। तो आपको जो सेलेक्ट करना है अपना अप्रोच, वो प्रीवियस ईयर के बेस पर ही करना है, ठीक है। उससे 10-15% 20% एक्स्ट्रा पढ़िए, वो फॉर एज फॉर सिक्योरिटी के लिए, कि अगर सिलेबस हर साल का नियम एक 10-15% जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। तो आपको दूसरी गलती, कुछ लोग यही करते हैं उनको पता नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व कर रहा हूँ, गुप्ता एंड गुप्ता मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उससे तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जाकर के प्रीवियस ईयर पैटर्न उठा करके देखो, ठीक है। तो आपको किसी बुक पर डिपेंडेंट नहीं होना है, बुक से स्टडी मटेरियल उठाना है, पढ़ना आपको एज पर सिलेबस है सब इंजीनियर की, ठीक है। तो एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो एनालिसिस करिए पहले। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ 5% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2-3 बार एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है, इससे पहले कहीं पर कोचिंग की हुई है, या कॉलेज के अंदर बराबर उन्होंने अपने आप को घिसा हुआ है, कॉन्सेप्ट उनके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, तो वो लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उनको तो सेल्फ स्टडी ही करना चाहिए, लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो कॉलेज में लॉकडाउन टाइम पे पास हुए हैं, कुछ उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इससे पहले कहीं कोचिंग नहीं की, या कोचिंग की है तो अच्छे तरीके से कोचिंग वहाँ पे उन्हें नहीं पढ़ाई गई है, ये जो इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अब अगर वो लोग तैयारी के लिए आते हैं तो उनको कम टाइम के अंदर क्या चीज़ें पढ़नी, ये चीज़ों का, क्योंकि आप एनालिसिस तभी कर सकते हैं ना, अच्छा जब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए अगर ये चैप्टर आ रहा है तो इस चैप्टर का आपके सब्जेक्ट के अंदर क्या वेटेज रह रहा है, कितना बड़ा वो चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए। ये तभी आपको पता लग पाएगा जब आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, ये जो लड़के होते हैं लगभग 95% के आसपास होते हैं, ठीक है, 95% के आसपास होते हैं, ओके बता रहा हूँ, होते हैं इतने, क्योंकि अभी जस्ट जो लोग पास आउट होंगे वो लोग बहुत सारे फॉर्म भरने वाले हैं, तो उनके तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो ये जो स्टूडेंट, इनको तो अभी चाहिए कि लोग कहीं ना कहीं पढ़ लें, अच्छी कोचिंग सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और वहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है, वहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि बाबू रिस्क नहीं ले सकते हो आप, रिस्क ना लेने का रीज़न ये है कि कंपटीशन का दौर बढ़ चुका है, वैकेंसी धीरे धीरे घट रही है, तो जितनी आ रही हैं तुरंत आपको ग्रैब करना है, सिक्योरिटी पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी 1% का रिस्क मत लीजिए। कोचिंग से ये है कि वो आपकी जो राह है थोड़ी आसान कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोचिंग ही सब कुछ है, ठीक है, सर्वो सर्वा नहीं है, हाँ कुछ हेल्प कर देता है आपकी, ठीक है, हेल्प करने इन द सेंस आपको स्टडी मटेरियल दे देगा, पढ़ना आपको ये, आपको ही अपना एफर्ट आपको 100% लगाना है, तो आपका एफर्ट विथ कोचिंग की गाइडेंस से ही आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 100% कोचिंग की गाइडेंस है, जो लोग सेल्फ स्टडी सेलेक्टेड होते हैं उनको या तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है पहले का, या उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा कॉलेज के अंदर घिसा होता है, या इससे पहले कई बार कोचिंग कर चुकी होती है, कई एग्जाम दे चुके होते हैं, कई बार उन सिलेबस को पढ़ चुका होता है, ठीक है, इसलिए सेल्फ स्टडी वालों का एग्जाम निकलता है। लेकिन अगर आप उस लेवल पर नहीं हो, आपने कॉलेज के अंदर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई की, तो आपको कोचिंग का सहारा ले लेना चाहिए, क्योंकि आप इस लेवल पर रिस्क नहीं ले सकते हो। कोचिंग अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करिए। अब कोचिंग कैसे सेलेक्ट करना है उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है, समझ गए ना आप लोग क्या मैं समझाना चाहता हूँ, कोचिंग कैसे आपको सेलेक्ट करनी। देखो सबसे पहले चीज क्या करते हैं ना, ओके, तो आपको तीसरी चीज की, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, अप्रोच सही सेलेक्ट करना है, मैंने अपने देख लिया बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से मैं तैयारी करूंगा। दूसरी चीज ये कि कोचिंग कैसे सेलेक्ट करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट किसी पर डाउट है, तो क्या करते हैं, जाते हैं कोचिंग की जो, ठीक है, रिसेप्शन पे बैठी हुई जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो आपको बता देती है, देखिए हमारी कोचिंग से अंदर इतने सिलेक्शंस हुए आज तक, ठीक है, इतने को सिलेक्शंस हुए, आपको इस बेस पर नहीं लेना है डिसीजन, ठीक है। रीजन ये है कि जो सिलेक्शंस होते हैं वो जरूरी नहीं कि उसी कोचिंग से हुए होंगे, अगर हुए भी हैं तो ये भी जरूरी नहीं है कि उनके बैच से हुए होंगे, हो सकता है कि उनकी उन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी हो सकता है कि उन्होंने कोई स्टडी मटेरियल लिया हो, ठीक है। तो आप 100% उनके प्रीवियस ईयर सिलेक्शंस पर विश्वास ना करें। आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक चीज़ पे फोकस करना है। आप एक काम करिए सर, आप अपने सब हमको जितने सब्जेक्ट आप पढ़ा चुके हैं, जितने पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज हमको डेमो दे दीजिए, हर सब्जेक्ट का डेमो दीजिए हमको, ठीक है, हर सब्जेक्ट का आप डेमो देखिए, कौन फैकल्टी आपको कितना पढ़ा रहा है, कितना अच्छा पढ़ा रहा है। आप जब तक हर सब्जेक्ट के उनके डेमो ना देख लें प्रॉपर, आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है। तो आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है, आपको जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, अब देखो जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ना, मान लेते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप एज ए पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट, अब डिप्लोमा वाले भरते हैं फॉर्म को, ठीक है, पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट है, अब कोचिंग का लेवल मतलब वो ऐसा पढ़ा रहे हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भैया जो कोचिंग डिप्लोमा वाला स्टूडेंट होता है ना, उसके थोड़ी थोड़ी बातें समझ में नहीं आती, मतलब अगर उसको थोड़े से इंग्लिश के वर्ड अगर हो जाए तो उसको समझ में नहीं आती। तो जो फैकल्टी पढ़ा रही, क्या वो चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही है,
वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने पैसे दिए आपको फर्क नहीं पड़ता कोचिंग कितनी ज्यादा महान है, कितनी ज्यादा बड़ी है, उसका स्टेटस क्या है मार्केट के अंदर। आपको तो अपने से मतलब है, भैया जो मैंने पैसे दिए हैं उसकी वैल्यू मेरे को मिल रही है या नहीं मिल रही है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर आपने पैसे जो पे किए हैं आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, मतलब आपके लिए वर्थलेस है, सीधी सी बात है। कोचिंग कितनी भी महान क्यों ना हो, कोचिंग का मतलब ये कि अगर आपको पढ़ा रही तो आपके समझ में आनी चाहिए बात, बस। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। आप अंधविश्वास कहीं ना करें, ठीक है, भगवान ने आंख इसीलिए दिया ना, अगर भरोसा करना होता तो आंख क्यों देता सबको, मतलब आप खुद से वेरीफाई कर लीजिए चीजों को, हर डेमो लेक्चर आप खुद देखिए, पहले देखिए उनकी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो जो पढ़ा रहे हैं वो एज पर प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसी कोचिंग में जाकर एडमिशन बोर्ड जो नॉन टेक पढ़ा रहे हैं किसी और एग्जाम के लिए, वहां पर जाकर एडमिशन ले रहे हैं और वहां पर सोच रहे हैं कि हाँ हम इसको पढ़ ले रहे हैं तो सब इंजीनियर तो कवर हो ही जाएगा। यार आप लोग एक बार एनालिसिस करो, उसका एग्जाम पैटर्न अलग होता है, हर जो एग्जाम होता है उसकी डिमांड अलग होती है, हर एग्जाम की नीड अलग होती है, तो आप कैसे भरोसा कर लेते हैं कि आप अगर इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए सफिशियंट होगा। आपको ये चीजें नहीं करनी है, आपको फोकस्ड उस कोचिंग पे भरोसा करना है जो केवल उनके लिए काम कर रही है, जो केवल पर्टिकुलर एक पॉइंट पर फोकस होकर के काम कर रही है, ठीक है, ताकि आपको वही चीजें दे पाए जो उसके अंदर पूछी जाती है। भाई साहब आप अगर किसी और कोचिंग पे जाएंगे जो नॉन टेक की कोचिंग्स हैं, वो तो आपको सारा कुछ पढ़ाएंगे ना, जो वो ये कवर करके चलती है, वो अदर एग्जाम को भी कवर करके चल रही है, तो उनको भी सिलेबस उनको पढ़ाना है, तो फिर आपको कचरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको ज्ञानी बनना है, अगर आपको पीएचडी करनी है सब्जेक्ट पे, तो फिर अलग चीज़ है, फिर आप अपना पीएचडी कर करके अपनी 4 साल की डिग्री लेकर के घूमिएगा मार्केट में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ करके घूम रहे हैं, आपको सिलेक्शन चाहिए, सही तरीके से पढ़ना है, मिस बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे मत भागिए, ठीक है। लास्ट टाइम पे काम वही देता है जो आपको एग्जाम टाइम पे याद हो, और हमारा माइंड ये कहता है कि हम लास्ट टाइम पे केवल 500 पन्ने ही याद कर सकते हैं, दैट्स इट, उससे ज़्यादा हमारे माइंड में स्टोरेज नहीं है, और हमको वो 500 पन्ने अगर आप इतना ज़्यादा ज्ञान भर के रखोगे लास्ट टाइम पे, अगर सब कचड़ा हो गया कोई मतलब का नहीं है आपका पढ़ाई। क्योंकि बाबू एक बात याद रख लेना, दुनिया आपका मेहनत नहीं आपका सिलेक्शन मांगती है। आप कितनी मेहनत करते हो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता है, आपने कितना स्ट्रगल किया फर्क नहीं पड़ता है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है फर्क नहीं पड़ता है, सारी सिविल इंजीनियरिंग आपने घोट के पी गई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई नहीं की लेकिन आपने सही तरीके से पढ़ाई कर ली, सही चीज़ें पढ़ ली और आपका सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब आप सब कुछ जानते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। रास्तों में की गई मेहनत दुनिया नहीं देखती है, दुनिया आपका मुकाम देखती है कि आप वहां तक पहुंचे कि नहीं, रिजल्ट देखती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। बहुत लोग बोलते हैं यार मैं मेरा डिमोटिवेशन डाउन हो रहा है, किस बात का मोटिवेशन डाउन हो रहा है भाई, आपने जो सोचा है ना, आपको पूरा करना है ना, किस बात का मोटिवेशन डाउन हो रहा है। फोकस्ड रखिए गोल पर जब तक वो अचीव ना हो जाए, सीधी सी बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन करना है कोचिंग का, ऐसे नहीं कि कहीं पर भी जाके पढ़ रहे हैं, किसी और एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ कि गेट ईएस की कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं, वहां से भी पढ़ ले रहे हैं, पढ़ लीजिए सारी चीजें, ठीक है। सब इंजीनियर के अंदर आइएगा, फिल्टर लगाइएगा फिर, ठीक है। लास्ट टाइम पे कुछ चीजें मिलेंगी नहीं, तो एक बार समझिए पैटर्न को, ठीक है, एक बार समझिए पैटर्न को पहले। तो ये इस तरीके से आपको कोचिंग सेलेक्ट करनी है, ओके। यहाँ पास कुछ स्टेप लिखे हुए हैं, जितने सब्जेक्ट हैं आप उनको सारे उनके डेमो देख लीजिए, जो सब्जेक्ट चल रहे हैं लाइव उनके डेमो देख लीजिए एटलीस्ट, कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और ये कैसे होने चाहिए, एज पर प्रीवियस ईयर पैटर्न पर होने चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो। फोर, ये आपकी तीसरी गलती हो सकती है अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद से वो सारी चीज़ें एनालिसिस कर लो और सही तरीके से पढ़ो, ठीक है। खुद से सारी एनालिसिस कर लो, सही तरीके से पढ़ो, अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इन बेसिस पे करना है, ठीक है। अगले पार्ट पे चलते हैं, बंकिंग द कोचिंग क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारी क्लास में, ये देख लो क्या करते हैं, एक बार बैच ले लेते हैं, अब उनको खुद भी नहीं पता कि सर क्या चल रहा है क्लास में। बहुत सारे लोग बंक कर रहे हैं, लाइव क्लास में क्या चल रहा है, शेड्यूल्ड क्या है टाइम का, वीडियो कैसे अपलोड हो रहे हैं, क्या पढ़ा रहा है फैकल्टी, उनको कुछ भी नहीं पता कुछ, ठीक है। 15 दिन के बाद फोन करेंगे, सर क्या चल रहा है। यार एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, आपका जॉब होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग वाले की है क्या, वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, लाइक आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपकी जवाबदारी है ना भाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिंदगी आपकी है, आपको क्या करना है, डिसीजन आपको लेना है, आपको चढ़ के बैठना है कि हाँ सर ये सब्जेक्ट हो रहा है, कितने दिन में हो जाएगा, मतलब आपको बोलते रहना है, आपको अपने एक सिंगल डाउट नहीं बचाने हैं। क्लास तो आप एक दिन सोचो, आप एक मिनट की क्लास बंक नहीं कर सकते हो, आप कैसे कर देते हो एक दिन की क्लास बंक, तो बंकिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है। अपना डेली रूटीन फिक्स करिए, उसको अचीव करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, बंकिंग बिल्कुल भी अलाउ ना करिए, ठीक है। ये गलती तो आप बिल्कुल करिएगा ही नहीं तैयारी के टाइम पे। अगले देख लेते हैं, नॉट रिवाइजिंग डेली। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डेली रिवाइज नहीं करते हैं, आज पढ़ लिया, पढ़ा लिखा और बंद, कॉपी किताब रख दिया साइड में, ठीक है। यही सबसे बड़ी गलती है,
हमको क्या करना, हमारे तीन टास्क याद रख लीजिएगा, सक्सेस मंत्र समझ लीजिए इसको, जो पढ़िए उसके शॉर्ट नोट्स उसी दिन बनाइए, जो पढ़िए उसको उसी दिन रिवाइज कीजिए, और जो पढ़िए उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो हैं उसको उसी दिन सॉल्व कीजिए। तीन चीज़ें एकदम नोट कर लीजिए, पहली चीज़ तो पढ़िए कॉन्सेप्चुअली, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, और तीसरी चीज़ उसको रिवीजन के बाद उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी दिन करिए, उसी दिन। कोई डाउट आता है टीचर से तुरंत पूछिए कि सर ये चीज़ नहीं आ रही मेरे से, ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही, बताइए मुझे, ठीक है। ये चीज़ आपको डेली करना है, जैसा कि आपने सिक्स पॉइंट देखा ना। पाँचवा पॉइंट क्या है हमारा, जो लोग हमारे पेड स्टूडेंट वो भी इस बात को समझ लें, उनके लिए भी सारी वीडियोज़ हैं। तो आपको क्या करना है, पहले नॉट रिवाइजिंग डेली, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, सिलेक्शन 100% रुक जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे इतना ज़्यादा बर्डन होता है, वो चीज़ें आप कवर नहीं कर पाओगे। एक स्टेप बना लो, करना क्या, जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, नोट्स तो आपको मिलते हैं कोचिंग से, नहीं मिल रहे तो खुद से बना रहे हो, अच्छी बात, वो और अच्छा होता है, ठीक है। अगर खुद से बना रहे हो तो क्या करना है, नोट्स बना लिया, पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, थोड़ा रेस्ट लीजिए, एक बार उसको रिवाइज करिए खुद से, बिना नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैंने रिवाइज कर लिया। फिर क्या करना है, एक कॉपी लेने छोटी सी, जिसके अंदर आपको उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, जिसे अपन शॉर्ट नोट्स कहते हैं, क्योंकि वो सक्सेस है की सबसे इंपॉर्टेंट की है सक्सेस की, शॉर्ट नोट्स। लास्ट टाइम पे केवल शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, आपका इतना है बुक जो आप बना के रख रहे हो पोथना, वो काम नहीं आएगा। काम क्या आना है आपका, लास्ट में आना है काम आपका शॉर्ट नोट्स। तो आपको साथ साथ बनाते जाना है, आपने एक चैप्टर पढ़ा आज, दो वीडियो देखे, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, फिर क्या करना है, जैसे बना लिए ना, इसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जो भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे गए हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिए। अब सब इंजीनियरली बता रहा हूँ, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, हमारी ई बुक आ चुकी है, उसके अंदर डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसको देख लीजिए, उसमें चैप्टर वाइज अवेलेबल है। जैसे आप मान लीजिए ब्रिक का, बिल्डिंग मटेरियल का ब्रिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ब्रिक ब्रिक के क्वेश्चन होंगे, वो भी चैप्टर वाइज, ईयर वाइज, 2016 के पहले, 17 के, 18 के, 19 के, 20 के, इस तरीके से, ठीक है। और उसके अंदर आपको उनके फैक्ट भी मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, कहीं पर डाउट आ रहा हो, डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो आप ये बुक ले लीजिए, वहाँ से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको सॉल्व करने पर डे के, अब इनके अंदर भी कोई डाउट आता है तो टीचर से पूछना है। और ये जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, यहाँ से मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड आ गया जो समझ में नहीं आ रहा है, ये कि भूल जा रहे हो आप, तो क्या करना है, इन वर्ड को भी अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना, ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको, पेपर टाइम पर काम आ सके। प्रीवियस ईयर के फैक्ट अगर कुछ समझ में नहीं आ रहे तो उसको शॉर्ट नोट्स के अंदर जरूर रखना, क्योंकि हर साल का नियम है 70-80% या 60% तो हर बार टॉपिक रिवाइज होने ही होने, किसी प्रीवियस ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसलिए हमने ई बुक इतनी डिटेल बना दी कि जो 60% टॉपिक रिवाइज हों उसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट हमने भर दिए, वो तो आपसे नहीं छूटने चाहिए। 60% काम तो ई बुक से हो जाएगा, और फिर 10-20% का काम टेस्ट सीरीज से, और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर उनके लिए तो हमारी ई बुक और टेस्ट सीरीज का ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, वो ही पढ़ लो, बहुत ज़्यादा है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, नहीं है तो फिर तो हम सारी चीज़ पढ़ा के दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, तो छठवां पॉइंट क्या आपका, नॉट सॉल्व डेली डाउट, करिए डाउट सॉल्व। ऑब्जेक्टिव में डाउट आ रहा है, कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है, जो भी डाउट आ रहा है अपने टीचर को भेजिए, जो भी उन्होंने आपको टाइम दिया हुआ उस टाइम पर बात करिए उनसे कि सर ये मेरे डाउट हैं, इनको क्लियर कीजिए। लाइव क्लास के थ्रू कर रहे हैं, क्वेश्चन करके भेज रहे हैं, वीडियो बना के दे रहे हैं, व्हाट्सअप, जो उन्होंने मोड दे रखा है आपको, ठीक है, उनके हिसाब से आप अपने डाउट सॉल्व करिए। सिक्स पॉइंट आपका ये, अगर आप सिक्स मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना, छठवें नंबर का मिस्टेक, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, सातवां नंबर, नॉट सॉल्विंग लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने बताया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो आपको आइडिया दे देते हैं कि आपको पढ़ाई ना इतने के बीच में ही करनी है, वो आपको दायरा फिक्स कर देते हैं आपका, कि अगर आप सब इंजीनियर के लिए पढ़ रहे हो तो आपको यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो किसी भी के अंदर ना 80-20 का रूल हमेशा लागू होता है, ठीक है। आपने पढ़ा 80-20 का रूल, 80% और 20%, मतलब ये जो 80% क्वेश्चन हैं ये 20% टॉपिक से ही आते हैं सब्जेक्ट के। मतलब अगर आप ब्रिक चैप्टर या मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका जो 20% टॉपिक्स होंगे ना, उन्हीं से 80% क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, उन्हीं से 80% क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। अब चूंकि सब इंजीनियर के अंदर तो कट ऑफ कभी कभी 80% सुपर भी जाता है, भाई गया था 165 नंबर, माने 80% सुपर हो गए 200 में से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है वहाँ पे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना, तो क्या करना है, उसके आसपास की चीज़ें पढ़नी है, उसके आसपास की चीज़ें और पढ़नी है, थोड़ा उससे हाई लेवल भी पढ़ लेना है ना। तो अपने क्या करना है, ये 80% तो पहले कवर करना पड़ेगा ना, तो इस 80% के लिए क्या करना है, इस 80% के लिए क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 20% टॉपिक्स हैं इनको फाइंड करने होंगे। और ये 20% टॉपिक्स कौन से होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के अंदर बार बार रिवाइज हो रहे हैं, बार बार रिवाइज हो रहे हैं, वही से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे होते हैं, वो हर एग्जाम का रूल है, 80-20 रूल सभी जगह लागू होता है। बट केवल 20% को अच्छे से पढ़ लीजिए, 80% क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो ये 20% टॉपिक फाइंड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, डिटेल में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। वही हमने ई बुक के अंदर आपको करके दिए, इसलिए कहते हैं यूनिकनेस बना के रखिए। ठंडा मतलब कोको कोला, और सब इंजीनियर मतलब सिर्फ 10 एविल पॉइंट, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को।
सेवेंथ पॉइंट याद हो गया आपको, 70-80% यहाँ पे लिखा हो, बट 60% तो आप मिनिमम मान के चलो यार, होते तो मोर देन 60% है, बट 60 तो मान के रखो, इतने आपके रिवाइज होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आपको कुछ भी करके जो हमारी बुक्स है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप कहीं से पढ़ रहे हो, आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी करो, आप कुछ भी करो, ये बुक्स जरूर पढ़ लेना, बहुत काम की, बहुत मेहनत से बनाई है, एकदम डिटेल एनालिसिस के साथ है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। एट्थ पॉइंट, एट्थ मिस्टेक जो आप करते हो, नॉट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। मैंने बता भी दिया, शॉर्ट नोट्स इज द की ऑफ सक्सेस, सफलता की कुंजी है क्या आपका शॉर्ट नोट्स। लास्ट टाइम पे जब आपके पास 10 दिन बचे ना, अब आपको सारी इंजीनियरिंग विद इन 10 डेज अपने माइंड के अंदर स्टोर करनी है। तो उस टाइम पे अगर आप अपने बड़ी बड़ी कॉपीज, क्योंकि आपको भाई अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो तो इन द सेंस ये कि आपके पास 22 नोट्स हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट मिला करके। उस टाइम के पास आपके पास सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए, एक टेक्निकल के नोट्स, एक नॉन टेक के नोट्स, वो भी 300 पढ़ने की, मतलब कुल मिला करके 600 पढ़ने में सारी चीज़ें आ जाएं। उसको भी आप कंसाइज कर सकते हो 300-400 पढ़ने के अंदर। उनको आपको रेगुलर वे में रिविजन करना है 10 दिन के अंदर, पर डे उनको रिविजन 10 बार, क्योंकि देखो 20% टॉपिक आप लिख रहे हैं उसके अंदर, तो 20% टॉपिक को कम से कम 10-15 बार पढ़ना है, बार बार रिविजन। माइंड है हमारा, भूल जाते हैं चीज़ें। ठीक है, इंसान का माइंड ऐसे ही है, इंसान की चीज़ें ऐसी है कि अगर आप उस चीज़ को बार बार याद नहीं करोगे ना तो भूल जाएंगे आपको। ठीक है, आप अपनी बाबू को 10 दिन याद ना करो, 11वें दिन आपको उसकी याद नहीं आएगी, समझ रहे हो ना। ऐसे ही माइंड काम करता है, ठीक है, ऐसे ही माइंड काम नहीं करता है, काम करता है अपना। तो करना क्या आपको, आपको क्या करना है, 10 बार लास्ट में कम से कम जो चीज़ें 20% है ना, मतलब 20-80 का रूल जो है, 20% टॉपिक जो जहाँ से 80% आ रहे हैं उनको तो 10-15 बार पढ़ना है, और वो प्रीवियस ईयर का टॉपिक्स होने चाहिए। तो एटलीस्ट जो बुक्स है ना उनको तो आप 10-10 बार अगर घिस भी लेते हो ना, 80% क्वेश्चन तो रखे रखा है वहाँ से। ठीक है, और जो क्वेश्चन है जहाँ पे कॉन्सेप्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए उनको 10 बार पढ़ लो, सिलेक्शन 100% हो जाना है। इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, अभी से करना शुरू करो, लेट बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स सभी के सभी टाइम पे बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो 9th पॉइंट है, नॉट राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट। अब सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अब सारी तैयारी हो चुकी है, फुल लेंथ टेस्ट नहीं देते हैं वो लोग, चेक नहीं करते लास्ट में। टेस्ट सीरीज क्या है कि आपकी, आपने क्या पढ़ाई की है, आप टाइमिंग में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आपका अप्रोच क्या है एग्जाम का, वो सारी चीज़ डिसाइड कर देती है। और ये टाइमिंग इसमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इन द सेंस ये कि लाइक आप मान लेते हैं कि आप, आपका एग्जाम जनरली सारे एग्जाम कितने बजे होते हैं, 10 बजे होते हैं, 9 बजे होते हैं, 10 से होते हैं, 10 से 3 घंटे के पेपर होते हैं, सब इंजीनियर का 10 से 1 होगा, या कि इधर साइड आपका 2 से 5 होता है, यही दो टाइमिंग पेपर हमेशा होता है, आज तक रिकॉर्ड ही है कि 10 से 1 और 2 से 5, तो आपका भी पेपर यही दो शिफ्ट के अंदर होगा। अब आपका क्या करना है, आपको जब भी टेस्ट सॉल्व करना है यही दो शिफ्ट के अंदर करने, या तो अल्टरनेट डेट में कर लीजिए, एक दिन 10 से 1 किया, दूसरे दिन 2 से 5 किया। वजह ये है कि अब अगर आप इसको अभी से करना शुरू कर देते हो, मान लीजिए आपने 1 महीने इसके अंदर 30 टेस्ट लगा लिए इन टाइमिंग के अंदर, तो अब आपका माइंड एक्टिव हो चुका है, 21 दिन में आदत पड़ जाती है माइंड को, साइकोलॉजी है ना अपनी, 21 दिन के अंदर हम कोई काम करते हैं आदत पड़ जाएगी। अगर आपने 21 दिन ये काम कर लिया, मतलब ये कि अब आपका माइंड जो है वो 10 से 1 टाइम पे मस्त एक्टिंग रहेगा, एक्टिंग बोल रहा हूँ, एक्टिव रहेगा। ठीक है, उस टाइम पे एकदम जागरूक रहेगा आपका माइंड, तुरंत एक्टिव रहेगा सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो उस टाइम पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुरंत आंसर होगा। ठीक है, तो आपको अपना माइंड, हमारा आइडिया क्या है, हम दिन में सोते हैं 10 बजे सो उठते हैं, 9 बजे सो उठते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और करते क्या हैं रात में 10 बजे 11 बजे रात सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे उस टाइम पे सॉल्व करके, क्या करोगे बताओ, उस टाइम थोड़ी ना पेपर होना है भाई, दिमाग आपका तो सुबह एक्टिव होना चाहिए ना, पेपर का टाइम भी एक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना, ज्ञान जरूरी नहीं है, सफलता जरूरी है, तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़िए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपने नहीं, ठीक है, खुद के हिसाब से जितने बजे मन कर रहे उतने बजे पढ़ भाई, एग्जाम की क्या नीड है उसके हिसाब से, एग्जाम को समझिए पहले। तो क्या करना है, 10 से 1 या 2 से 5 दिन में, रात में नहीं, 2 से 5 कुछ तो रात को ही पढ़ते हैं, 2 से 5 भाई रात सोने के लिए सो आराम से, 11-12 बजे खा पी के सो जाया करो, सुबह उठा करो 6 बजे पढ़ने के लिए, भगवान ने इसलिए दिन सूरज निकलता है ना, दिन का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 से 5 और 10 से 1 इस टाइम पर है आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज अपनी लगानी है। ठीक है, इन्हीं टाइम पर, तो आपका दिमाग इस टाइम पर एक्टिव हो जाएगा। ये आपकी 9th मिस्टेक होती है लास्ट टाइम पर, अगर आप ये नहीं करते हो तो, लगा रहे हैं रात को टेस्ट सीरीज बैठ के। ठीक है, ये कि ऐसे टाइम पर लगा रहे हैं जब एग्जाम का टाइम ही नहीं है, जाते हैं वहाँ पर एग्जाम के टाइम पर सो जाते हैं, बहुत सारे लोग को नींद आ जाती है एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि टाइमिंग उनकी गड़बड़ है ना, गड़बड़ टाइमिंग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आते हैं आपकी आखिरी गलती पर, जो आप करते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपकी नॉट मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, गुड हेल्थ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्वास्थ्य। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्वास्थ्य। जब तक ये अच्छा नहीं है ना, दुनिया आपके साथ नहीं रहेगी। आपका, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आपका हेल्थ है, क्योंकि अगर ये अच्छा है तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे, अदरवाइज़ तो सब खराब है फिर, है ना, सब सभी खराब है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको देनी है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, अपनी हेल्थ को। अब हेल्थ के लिए क्या है, हेल्थ में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है,
भाई साहब हमारी क्या बॉडी एक मशीन है, जो डालोगे वही प्रोसेस करके देगी, दिमाग में कचरा डालोगे कचरा निकलेगा, ठीक है, कचरा इनपुट आउटपुट भी कचरा होगा। करना क्या है, अच्छा खाना खाना है, ठीक है, अच्छा खाना खाना है, जंक फूड थोड़ा सा दूर रहिए इनसे, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम ना हो, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते इस कंपटीशन की दुनिया में। अगर आपका तबीयत एक दिन के लिए खराब हो गया ना, मतलब आप ये कि आप कितने पीछे चले गए रैंक आपकी, ठीक है, तो आप इस टाइम पर रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते हो। तो पहली चीज़ तो आपको खाना अच्छा खाना है। अब खाना अच्छा का मतलब क्या है, अच्छा का मतलब ये है कि ऑयली ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है, और जंक फूड्स वगैरह नहीं खाने हैं, हेल्दी खाना खाना है, ठीक है, और समझ रहे हो ना, हेल्दी का मतलब ये कि अगर खुद से भी बना रहे हो ना घर में तो बहुत बढ़िया बात है, घर में तो हेल्दी मिलेगा, कहीं बाहर रहते हो पीजी वगैरह में तैयारी करते हो, खाना वहाँ अच्छा नहीं मिल रहा, लाइक होटल से खाना ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है खाना वहाँ का, साफ सफाई से खाना बनाया नहीं जाता है, ठीक है, तो अभी तो कोरोना का टाइम भी, आपको तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, कहीं भी रह रहे हो ना जली रोटी बन रही बनाओ खाओ, वो हेल्दी होगा, ठीक है, सब्जी नमक ज़्यादा हो रहा है वो भी सही है, खुद से बना के खाओ, ठीक है, क्या खाना हेल्दी रहेगा, ठीक है, हेल्दी का मतलब ये है कि आपको मतलब साफ सफाई के साथ थोड़ा ऑयली ऑयली चीज़ें ये कम खानी, जंक फूड थोड़ा कम करना है, ठीक है, उबली हुई चीज़ें ज़्यादा खा सको वो ज़्यादा बेटर है, ये आपको ध्यान रखना है फूड के अंदर, ठीक है, फूड के अंदर बात करते हैं। अब देखो फूड के साथ क्या है, फूड के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आपका वर्कआउट, ठीक है, वर्कआउट मतलब ये कि जो आपको माइंड को, देखो यार सीधी सी बात है, जो खाना खाओगे उसको भाई पचाना भी तो है, अब आप तैयारी कर रहे हो, आपका कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अभी शरीर जो है ना इसको पर्टिकुलर एक घंटे का टाइम पर डे दीजिए, ठीक है, एक घंटे का टाइम, एक कहानी आपको पता होगी ना कि एक दो बंदे थे, ठीक है, एक लकड़हारा था, उससे पूछा गया कि आप इस पेड़ को कितने घंटे में काट सकते हो, तो उसने बताया कि मैं इसको 20 घंटे में काट सकता हूँ, दूसरा बोला कि आप क्या करोगे, तो उसने बोला कि पहले तो मैं काट तो एक घंटे में सकता हूँ लेकिन मैं 19 घंटे अपनी कुल्हाड़ी घिसूंगा, ठीक है, समझ क्या रहे हो, मतलब ये है कि आप जिससे काम करने वाले हो भाई, आपको आप अपने जो भी काम करोगे तैयारी करोगे, ठीक है, पढ़ाई जितनी चाहिए आप 10 घंटे पढ़ाई करोगे, होगी किससे, यही शरीर करेगा ना आपका, यही बॉडी करेगी, यही माइंड करेगा, माइंड ही सही नहीं है, माइंड कहीं और ही दौड़ रहा है, पढ़ लो 20 घंटे कोई मतलब का नहीं है भाई, सब जिससे पढ़ने वाले हो जहाँ पे चीज़ें स्टोर कर रहे हो पहले उसकी सफाई अच्छे से करो, और माइंड की सफाई है मेडिटेशन, ठीक है, जो विचार हैं और सब चीज़ें जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप सबसे पहले उठो, पर डे का एक घंटा फिक्स करो, एक घंटा मोर देन सफिशियंट, तैयारी करो, चलो 45 मिनट ही करो, 45 मिनट तो दो, ठीक है, क्योंकि ये 45 मिनट अगर आप पर डे खुद को दे रहे हो ना, तो जो चीज़ें आप दो बार में जो चीज़ें आपको समझ में आएंगी वो आपको एक बार में समझ में आएंगी, ठीक है, तो आपको 45 मिनट पर डे करना है। अभी योगा कोई ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा वैसे करना है, ये चीज़ें आप सीख सकते हो यूट्यूब से भी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वीडियोज अवेलेबल हैं, बाबा रामदेव को देख लो, ठीक है, वो भी पर डे सुबह करते हैं, उन्हीं को देख लो, 45 मिनट दो, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सब लोग बुढ़ापे वाले लोगों के लिए, हम लोग के लिए चीज़ें हैं ये, ठीक है, योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, सुबह सुबह उठो, एक गर्म पानी पियो पहले एक गिलास, इसके बाद गर्म पानी के साथ आप थोड़ा बहुत मधुरस ऐड कर सकते हो इंस्टेंट एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी में रात भर में आपका जो तो एनर्जी डाउन हो जाती है, आप पानी पी लो, एक बेस्ट रहता है। इसके बाद 45 मिनट बिल्कुल टाइम दो मेडिटेशन करो, दबा के बढ़िया, ठीक है, आप उसके अंदर आप उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, आप उसमें 20 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, 20 मिनट आपको मेडिटेशन पे दे दो, और 20 मिनट बढ़िया शांति से बैठ करके एकदम ध्यान करके बैठो, शांत माइंड शांत हो, फिर आप देखना आपको दो चार दिन के अंदर फर्क समझ में आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सुबह उठा करके, ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 बजे उठ करके योगा मेडिटेशन कर रहा हूँ, सुबह उठ जाया करो 6 बजे, रात को आप अपना शेड्यूल ऐसे बनाओ कि अगर आपको 2 बजे तक भी सो रहे हो फिर भी आपको सुबह 6 बजे उठना है, उठने का टाइम फिक्स कर लो, सोने का नहीं करो, उठने का कर लो, अगर उठने का कर लिए तो सोने का फिक्स हो जाएगा अपने आप, भाई एक दिन 6 बजे उठे सुबह, अगले दिन वैसे नींद आ जाएगी 10 बजे रात में या 11 बजे आ जाएगी नींद, एक टाइम फिक्स कर लो हमेशा उठने का टाइम, आप चाहे सुबह रात के 4 बजे सो रहे हो 6 बजे उठ ही जाना है, अगले दिन मजाल है आपकी फिर वही 4 बजे तक जग जाओ, नहीं जग पाओ 11 बजे फिर सोना पड़ेगा आपको। करना क्या है, एक टाइम फिक्स करनी है, या तो उठने का टाइम या तो सोने का टाइम, तो सोने का नहीं करना क्योंकि सोने का फिक्स कर दोगे तो उठने का ऑलरेडी अब किस लोग की आदत होती है 10 घंटे सोने की, सोता रहता 10 बजे सोएगा फिर 10 बजे उठेगा वो, है ना, 12 घंटे सोते रहते हैं, ऐसा भी नहीं करना है, हमेशा फिक्स करिए उठने का टाइम, सुबह के 6 बजे उठने का टाइम, अगर आप सुबह एक दिन 6 बजे उठ जाते हो अगले दिन आपको सीधी सी बात हो 10, 11, 12 बजे तक नींद आ ही जानी है, ठीक है, ऐसा ही होता है आदमी का शरीर, ठीक है, 6 घंटे इसको चाहिए नींद। तो क्या करना है आपको, दो चीज़ याद रखनी है इस टाइम पे बाबू, हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, गुड फूड विथ योगा, योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है, ये आपको करना है, ये 10 गलतियाँ अगर आप कर रहे हैं तो सिलेक्शन रुक जाएगा, याद रख लेना इनको, तो बिल्कुल ध्यान रखना, सक्सेस मंत्रा मान लेना, जिनको बोल रहे थे सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, यार किस बात का मोटिवेशन चाहिए आपको, सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ आप, चाहिए ना सिलेक्शन, मोटिवेशन देखना सब बंद करो, सब टाइम वेस्ट है, अंदर का मोटिवेशन ही काम आता है, खुद से अगर कुछ करने की इच्छा है ना वही आपको लास्ट तक, जो आपकी विल पावर है वही आपको लास्ट तक सक्सेसफुल बनाएगी, दैट्स इट,
बाकी सारी मोटिवेशन फालतू है। आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये जो 10 मिस्टेक्स ही बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप कर रहे हैं ना, तो अभी आज से इनको दूर कर दीजिए, आज से, और एक्टिव हो जाइए, सीधी सी बात, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और अभी ना सोचिए वैकेंसी कब रिलीज होगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या होगा, आएगा नोटिफिकेशन, है ना, बात कैलेंडर में, चलो एक आध महीने बाद आएगा, आएगा नोटिफिकेशन ना, पेपर होगा एक आध महीने बाद, होगा ना पेपर, क्यों परेशान हो आप, आप तो तैयारी पे फोकस करो। आप तो मैंने बताया ना, जो पहली गलती यही करते हैं कि पहली गलती हम यही करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं, वैकेंसी रिलीज आती फिर जाते हैं, अच्छा अब तो रिलीज होगी, चलो अब तो पढ़ना है, 40-45 दिन के अंदर क्या पढ़ लोगे आप, उससे पहले जिसने पढ़ रखा है, जो 2-3 महीने पहले से घिस रहा है, जो 6 महीने पहले से पढ़ रहा है, उसके तो सब कुछ कर लिया, आप शुरू कर रहे हो, वो प्रैक्टिस कर रहा है। आप सोचो, दिमाग लगाओ ना भाई साहब, अगर आप आज शुरू कर रहे हो, उससे पहले जो बंदा 6 महीने पहले से पढ़ रहा है, वो आप शुरू करोगे, वो टेस्ट सीरीज लगा रहा होगा, वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, उसको सारी सिविल इंजीनियरिंग मुंह में याद है, सारे नॉन टेक्निकल उसने पढ़ रखे हैं, अब बताओ आप क्या करोगे, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको सही टाइम पर स्टार्ट करना है। अभी हमारे पास टाइम है, अभी अप्रैल तक का टाइम है, अप्रैल में एग्जाम है ना, मार्च तक का टाइम है बस, फरवरी या 15 मार्च तक कोर्स कंप्लीट करिए, लास्ट 15-20 दिन आपके पास बचेगा, अप्रैल में, पहले अप्रैल पेपर नहीं है, लास्ट अप्रैल पेपर होगा, टाइम है अभी, डिसीजन लेने का समय है ये, ठीक है, ओके। सो ये था अपना कंप्लीट, ओके। अब आप ये सर कि आप क्या करवाते हैं, तो हमने आप हम हमारे बारे में तो आप जानते हैं, हमारा एक ऐप है, बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं रहता कि सर आपका ऐप ही नहीं मिलता, बहुत सारे लोग रिटर्न होते, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और दा, ठीक है, ये दा और ये सिविल, ठीक है, सिविल और पॉइंट पूरा लिखना है, ठीक है, आधा अधूरा नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, द सिविल पॉइंट, ठीक है, कुछ लोग को मिलता नहीं पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये पूरी स्पेलिंग लिखनी है। आप अगर टी सी पे लिखेंगे तो ऐप नहीं आएगा, आपको क्या करना है, आपको पूरा पूरा ऐप लिखना है, मतलब पूरा मतलब द सिविल पॉइंट सर्च करना है, फिर वहाँ पर आपको लोगों दिखाई देगा, उस लोगों को जाकर के आपको इंस्टॉल करना है। कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आप अभी तैयारी करना शुरू ही कर रहे हैं, अगर आपने तैयारी नहीं की है अभी शुरू कर रहे हैं, तो हमारा एक टारगेट बैच है, जिसके डेमो लेक्चर, ऐसा नहीं कि हम कोई चीज़ छिपा करते हैं आपसे, सारे सब्जेक्ट के जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर विथ दो दो चैप्टर के साथ, ऐसा नहीं कि एक दो लेक्चर डाल दिए, दो दो चैप्टर सीधे अपलोडेड है, हर वीडियो के, हर चैप्टर सब्जेक्ट के, आप उनको देख सकते हैं, टारगेट बैच के डेमो कहाँ पे मिलेंगे, ये मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाइए, इनको मिल जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट पे जाइए, सारे सब्जेक्ट के बने हुए प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं ये टारगेट बैच के अंदर, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर एक काम करिए, फिर भी आप कहीं से पढ़ रहे हो ना, पढ़ते जाइए, साथ में आप हमारा ई बुक और टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए, क्योंकि ये जो ई बुक है ना, ये इस तरीके से बनी, क्योंकि ऐसी ई बुक अभी मार्केट में है नहीं, कोई मार्केट में ऐसी ई बुक नहीं है कहीं पे, ठीक है कि नहीं, इस बुक के सामने रीजन ये कि इसके अंदर हमने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है, वजह ये है देने की, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन मैंने बताया ना 60-70% टॉपिक रिवाइज होते हैं, और हमने एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब उस टॉपिक के आसपास से 60-70% क्वेश्चन ई बुक से आ जाएंगे, फिर ई बुक से जुड़ा हुआ हमने टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है, सेम टू सेम रिलेटेड है, कि यहाँ पे हमने दिया प्रीवियस ईयर, तो उसके हाई क्वेश्चन हमने डाले टेस्ट सीरीज के अंदर, तो अगर ये करोगे वो साथ में करोगे, तो आपके 70-80% क्वेश्चन तो यहीं से फंस जाने, 70% तो आप मान लो कि वो को टेस्ट सीरीज से आने, बाकी के 10% आप हैंड में मान लेना है एफर्ट अपने, अगर प्रीवियस ईयर जो चीज़ें पढ़ी हुई है, ठीक है, अगर नहीं मानो तो टारगेट बेच के अंदर कवर कर लेंगे अपन, ये चीज़ें इनके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है एप्लीकेशन के अंदर, द सिविल पॉइंट एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। कोई और जानकारी चाहिए तो नंबर मैंने लिख देता हूँ, 9340888429, ठीक है, 888, फिर लास्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 429, ठीक है, 429, 9340888429, या कि दूसरा नंबर भी एक, उस पर भी आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो, 9179417400, ये दो नंबर है जो मैंने बता दिया, इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप करिए कोई डाउट आता है तो, अदरवाइज द सिविल पॉइंट एंड्रॉइड एप्लीकेशन चली जाइए, वहाँ पर भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ पर भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो जाकर के आप देख सकते हैं, ओके। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत सारे लोग के डाउट थे सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, गाइड करिए थोड़ा सा कैसे पढ़ना है, वीडियो को ध्यान समझिए, ये गलतियाँ मत करिएगा, सोल्यूशन मैंने बता दिया है, उनको अप्लाई करिए, तैयारी बहुत अच्छी करिए, सिलेक्शन आपका ही होगा, ये विश्वास हमेशा बना के रखिए। देखो यार, जिंदगी में कुछ भी करो ना, कॉन्फिडेंस कभी मतलब सबके ऊपर शक कर लेना, डाउट कर लेना, दुनिया कुछ भी है, फेक है, सब कुछ है, अपने अंदर जब आप शीशे में देखते हो, तो जो व्यक्ति आपको शीशे में दिख रहा है ना, उसके ऊपर कभी शक मत करना, वो कॉन्फिडेंस आप हमेशा आपके चेहरे में दिखना चाहिए कि हाँ एग्जाम मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, दैट्स इट, हालात कुछ भी हो, कैसे भी हो, मैं कर जाऊंगा। ये जो आपको कॉन्फिडेंस है ना, ये जो आपका मोटिवेशन होता है ना, यही आपको सक्सेसफुल बनाता है एग्जाम के अंदर। तो आपको अपना एटीट्यूड नहीं बदलना। आप लोग जानते हो ना, जंगल के अंदर एक थोड़ा सा मोटिवेशन पर चल लो, जंगल के अंदर कितने बड़े बड़े जानवर होते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है, भारी भरकम है अगर मान लेते हो, ठीक है, सबसे चालाक होता है आप लेपर्ड मान सकते हो, ठीक है, लोमड़ी सबसे ज़्यादा चालाक होती है, सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है, ताकतवर भी हाथी मान सकते हो, बड़ा भयंकर ताकतवर होता है, ठीक है, राज कौन करता है जंगल पर भाई, सबसे ज़्यादा तेज भागता कौन है अगर देखें तो, हिरण भागता है ना, राज कौन करता है जंगल पे, कौन करता है, सिंह करता है ना, क्यों करता है,
वो सबसे भयानक है, सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है, सबसे तेज भागता है, नहीं, ये कोई क्वालिटी उसके अंदर नहीं है। इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। आप किस तरीके से एटीट्यूड रखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्जाम के अंदर जा रहे हैं तो आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि मैं तो फोड़ के आऊँगा, मैं फोड़ के आऊँगा, बाकी पता नहीं मेरे को, इतना कॉन्फिडेंस आपके चेहरे में दिखना चाहिए। पढ़ाई करो तो लगना चाहिए कि यार मैं इसलिए पढ़ रहा, मैं फोड़ दूंगा एग्जाम के अंदर जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन कन्फर्म है, बात खत्म। एटीट्यूड इस तरीके से बनाइए, ठीक है? सिलेक्शन होना ना होना वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा गीता के अंदर कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, वो छोड़ दीजिए, वो आपके हाथ में नहीं। लेकिन कर्म ऐसा करिए ना, फल को विवश हो जाए, आपको ही मिलना है, सीधी सी बात है, ठीक है? इतना इतनी एफर्ट अपना झोंक दीजिए, मतलब समझ रहे ना, अपनी मैं बता ना 100% नहीं बोलते हैं उसको, ऐसा करिए जब भी आप तैयारी करो ना, आपको उसके अलावा कुछ दिखे ही ना, ठीक है? जो चाहिए, अगर आप सब इंजीनियर फोकस हो, आप कोई भी दुनिया के एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको उसके अलावा कुछ भी दिख रहा है, यार जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, आप किसको वक्त दे रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अगर आप पढ़ 6 घंटे ही रहो, पढ़ना ज्यादा जरूर नहीं, 6-7 घंटे पढ़ो वो काफी है, ठीक है? लेकिन जो आपने पढ़ा है, पढ़ाई के माहौल में 6-7 घंटे रहना है। जो पढ़ रहा माइंड में कुछ और चलने लग जाए, वो 6 घंटे पढ़ा माइंड में फिर कुछ और चीज़ आ गई, तो फिर जो 6 घंटे पढ़ा वो भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर 6 घंटे पढ़ा और माइंड में वही चीज़ चल रही, तो जो 6 घंटे पढ़ा वो और सेफ हो जाएगी। उसे कहते हैं मंथन करना, जो पढ़ा उसके बारे में उसको मंथन करो माइंड में। कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके बोलते सर टाइम नहीं मिल पाता, जितना टाइम मिल रहा है उतने में करो। बहुत सारे लोगों ने फोड़ा है प्राइवेट जॉब के साथ ही फोड़ा हुआ है जिंदगी में, ठीक है? मैं बता रहा हूँ ना, जिंदगी में आपका एक्सक्यूज कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप किस कंडीशन पे हैं, कोई नहीं सुनने वाला। कहते हैं ना, रास्ते की मेहनत कौन देखता है यार? आप कल को सक्सेसफुल हो जाओगे, दुनिया आके कदमों में गिर जाएगी, लेकिन बाबू उसके लिए मेहनत खुद को करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहली चीज तो एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव रखो, याद रखो कि सिर्फ आपका ही सिलेक्शन होगा। दुनिया एक तरफ, वैकेंसी 50 आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, एक पोस्ट आए तो आपका ही सिलेक्शन होगा। इस तरीके से एटीट्यूड रखना है, ठीक है? निगेटिविटी नहीं, यार मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने तो इससे पहले पढ़ाई नहीं की, 2 महीने का टाइम कैसे पढ़ूंगा, कुछ नहीं सोचो, सब मैं पढ़ लूंगा, मतलब एटीट्यूड तो एकदम रखो और अपनी जान लगा दो उसके पीछे, समझ रहे हो ना? एक एक सेकंड तक अपने सिर्फ लक्ष्य के लिए रख दो सारी चीजें एक तरफ, पहले गोल, ठीक है? याद रखना इन चीजों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये 10 मिस्टेक अगर कर रहे हैं ना, तो आज के आज छोड़ दीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है? आज के आज छोड़िए और लग जाइए, जी जान लगा दीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नंबर दिए गए हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? अवेलेबल हमारे सारे डेमो हैं, ठीक है? क्लासेस चल रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कंटेंट हम सही दे रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।